Well, everyone, let's have a recap of the last class. Okay, so just a minute. So, see, in the last class, what we have done is we have discussed of the separation of mixture of two solids. Please mute your audio. Okay, so the separation of mixture of two solids by using these three methods, by using a suitable solvent, in which one thing is soluble and the another component is insoluble. These were the examples. We have done this separation by sublimation. One of the component undergo sublimation and the other one does not undergo. So we can separate these. These are the examples. Then just a second. So this was our whole apparatus for the sublimation process. Then that was a video. Then the next method that we have done is separation by magnet. So in this, if one of the component is attracted by magnet, बिल्कुल नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है. आवाज आ रही है? किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? धीरे आ रही है सर. अब बताना, अब आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार आवाज का बता दो, फिर क्लास शुरू करते हैं. देखो, लास्ट क्लास में हमने ये वाली सारी हेलो बेटा, आवाज का बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लास्ट में जो हमने डिस्कस करा था वो था कि ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है, तो हमने उसमें प्रोसेसेस डिस्कस करे थे कि क्या क्या हो रहा था. तो उस प्रोसेस का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से. लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करे थे. तो इसमें देखो क्या हो रहा था. यहाँ से पहले वाटर रिजर्वॉयर से हमें पंपिंग स्टेशन में, पंपिंग स्टेशन से सेडिमेंटेशन टैंक में. सेडिमेंटेशन टैंक में हमारे पास क्या हो रहा था कि वाटर जो था, हमने थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग वाटर रखा. उससे क्या होता है कि सॉलिड इम्प्योरिटी, जो भी हमारे पास सॉलिड इम्प्योरिटी होगी, विच इज थोड़ा सा उसमें क्या हो कि हमारा वेट हो उसमें, तो ग्रेविटी की वजह से इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस सेडिमेंटेशन टैंक. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इज सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर हमारा क्लियर हुआ है उसको हम ले जाते हैं लोडिंग टैंक में. सो इन लोडिंग टैंक क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है, हम बोलते हैं कि काइंड ऑफ एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा लोडिंग टैंक में. तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन जो बन जाता है वो खुद से तो सेटल डाउन होगा नहीं, ठीक है. तो जब वो खुद से सेटल डाउन पार्टिकल्स नहीं होंगे, हम उसके लिए क्या करते हैं, वो खुद से सेटल डाउन क्यों नहीं हुए थे, हमने लास्ट क्लास में वीडियो में देखा था, क्योंकि वो सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स थे. जो हम सैंड के पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, दे वर नेगेटिवली चार्ज और वो सिमिलरली चार्ज थे, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है, वो पास आते हैं तो रिपेल करते हैं. तो हमें कुछ भी करके क्या करना है कि हमें किसी भी तरह से उन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करना है. इफ़ वी आर एबल टू न्यूट्रलाइज दोज पार्टिकल, वो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ स्टिक करके एक लार्ज साइज पार्टिकल बन जाएंगे. उससे क्या होगा कि वेट इंक्रीज हो जाएगा एंड वेट से दे विल सेटल डाउन. तो हम इसलिए एलम ऐड करते हैं. एलम क्या करता है, उसके लिए हमने एक प्रॉपर वर्ड यूज करा था. तो वर्ड वी यूज वॉज कोगुलेशन, ठीक है. तो हम कोगुलेशन करवाते हैं किससे, एलम ऐड करके, और वो वाटर को क्लियर करने में हेल्प करता है. फिर जो वाटर क्लियर हुआ उसको हमने क्या करा, फाइनली हम यहाँ फिल्ट्रेशन करवाते हैं. एंड दिस इज सिंपल प्रोसेस कि ऊपर फाइन सैंड है, फिर कोर्स सैंड है, देन ग्रेवल है. साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता जाता है,
यही हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर में जो फिल्ट्रेशन होती है, तो ये वाटर यहाँ से फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या कर दिया, पार्टिकल्स तो सारे रिमूव हो गए, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे थे उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी ऐड क्लोरीन। क्लोरीन जब ऐड करते हैं तो क्लोरीनेशन से क्या होता है कि क्लोरीनेशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचते हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लोरीनेशन। एंड देन फिर वो वाटर क्या होता है, जैसे हम स्टोर कर लेते हैं ना स्टोरेज टैंक, एंड देन वाटर हमारा सप्लाई होता है घर पे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये तो था हमने लास्ट क्लास में जहां तक किया था, ठीक है। उसके बाद एक दस मिनट So, आज देखो हमें क्या करना है, आज हमें करना है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास क्या होता है कि देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। क्या हमारे पास कि अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें बहुत क्या है, फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, बहुत छोटे पार्टिकल्स है बेटा, जैसे हमारा क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या करेंगे, जो मिक्सचर होगा, द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। आवाज किसी को भी नहीं आ रही या कुछ एक दो बच्चों को नहीं आ रही है? सर नहीं आ रही सर, आ रही है बेटा। वो एक दो जगह तुम्हारी नेटवर्क इशू होगा, उस वजह से आवाज नहीं आ रही होगी। देखो अभी देख लो, हो सकता है नेटवर्क इशू है तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बहुत छोटे ऐसे पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड रहते हैं, जस्ट लाइक हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो सेंटर में तुम्हें दिख रहा है, सेंटर में क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, ठीक है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन फिल करते हैं एंड देन हम बंद कर देते हैं इसको। अब ये ट्यूब लेने के बाद हमने क्या किया, ये देखो लेफ्ट साइड में जो तुम्हें दिख रहा है, राइट साइड में ये जो है, ये एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारी मशीन होती है वो कैसी होती है, ऐसे होती है, उसमें ये जगह जगह ये स्पेसेस बने होते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रख सके, ठीक है। इनमें हम किसी में ट्यूब रखते हैं और इसके जस्ट ऑपोजिट मान लेते हैं हम इस वाले पोर्शन पे क्या रख रहे हैं, ट्यूब रख रहे हैं, इसमें अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रख के इसके जस्ट ऑपोजिट जो होल होगा ना उसमें भी हमें कुछ इतना ही क्या कर लें, हमें एक और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेके वाटर डाल देंगे और उसको जस्ट इसके ऑपोजिट पुट कर देगी ट्यूब, ताकि जब ये रोटेट हो तो इसको बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये तो हमारा प्रोसेस होता है कि कैसे करते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड में इसमें देखो, यहाँ हमने क्या करा, देखो जो बिफोर में दिखा रहा है कि हमने अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली, उसमें हमने अपना सोल्यूशन डाला और सोल्यूशन में ये छोटे छोटे जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये हमारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे कि पहले पूरे सोल्यूशन में सस्पेंडेड है, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूज, हमने इसको बहुत तेज स्पीड से हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, ठीक है। स्पीड जो होती है वो हम सेट कर सकते हैं, ऐसे होते हैं 2000 RPM, 1000 RPM या 3000 RPM, RPM क्या होता है हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उस पर हमने रोटेट करवाया तो क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन एंड क्लियर लिक्विड रिमेन्स ऑन टॉप। होगा क्या कि जो हैवी पार्टिकल होंगे बेटा, अगर देखो ऐसे स्लांटेड हमने रखा हुआ है, अगर तुम इसको बहुत तेज रोटेट करते हो तो इस पे क्या लगता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उसकी वजह से सारे जो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, और जो क्लियर जो हमारे लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन ऊपर रह जाता है, ठीक है। लिक्विड जो ये सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं कि ये सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है, सुपरनेटेंट सॉल्यूशन मतलब जो हमारा सॉल्यूशन ऐसे ऊपर रह गया है, ठीक है। ये जब सॉल्यूशन हमारा ऊपर रह गया है और ये नीचे सेटल डाउन हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को निकालेंगे इसमें से, ओपन अप करके फिर क्या करोगे, ये नीचे जो बेटा सॉलिड सेटल डाउन होता है ये बिल्कुल ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है और इतने अच्छे से सेटल होता है
अगर तुम इसको अपसाइड डाउन भी कर दो ट्यूब को तो भी क्या होता है, हमारा सॉलिड नीचे नहीं गिरता। तो तुम क्या कर सकते हो, इजिली अपना लिक्विड अलग सेपरेट कर सकते हो और सॉलिड अलग सेपरेट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन का। इस ट्यूब में सॉल्यूशन लेंगे, इसमें रखेंगे, इसको बहुत तेज रोटेट करवाएंगे, सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और लिक्विड जो होगा वो हमारा ऊपर रह जाएगा। ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, देखो अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, तुमने देखा होगा कि हम बहुत जगह ऐसा होता है ना कि मिल्क में से हम क्रीम निकाल लेते हैं, तो वो क्या चीज हो रही है। और ये तो नॉर्मल घर पे भी होता है, मतलब मैं जो बात कर रहा था वही होता है कि बहुत सारी ऐसे अलग से दुकानें होती है उनसे भी होता है, लेकिन ये घर पे भी ये चीज होती है कि हम क्या करें, सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मिल्क में जो हमारा क्या है, मिल्क कंसिस्ट ऑफ क्रीम इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको जब हम रोटेट करेंगे, व्हेन इट इज रोटेटेड रैपिडली इट गेट सेपरेटेड इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। अब क्या हो जाता है बेटा, क्रीम जो होती है, स्क्रीन पे जो भी वो कर रहे हो ये इरेज कर दो और क्लास पे ध्यान दो। देखो जब हमारी क्रीम जो है वो मिल्क से लाइटर होती है, क्रीम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर लाइटर है तो हमने क्या करवाया, अगर मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे तो हमने बोला सेंट्रीफ्यूगेशन में लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे यही होगा कि लाइटर पार्टिकल क्या है, क्रीम ऊपर आ जाएगी और मिल्क जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो नीचे रह जाएगा। तो नीचे हमने क्या कर दिया, मिल्क में से हमने क्रीम को हटा दिया तो वो क्या, स्किम्ड मिल्क बच गया, तो क्रीम ऊपर और मिल्क नीचे। तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमें मिल्क में से क्रीम सेपरेट करनी हो तो भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंपल तुम्हारा प्रोसेस किसमें होता है, जो वॉशिंग मशीन में हमारा ड्रायर होता है, कपड़े धोने के बाद हम ड्रायर में कपड़े सुखाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि तुमने देखा होगा उसमें कैसा होता है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम अपने कपड़े रखते हैं और फिर रोटेशन होती है बहुत तेज। रोटेशन की वजह से क्या होता है कि उसमें भी ऐसे रोटेट होते होते वाटर क्या होता है, कपड़े तो हमारे इसके अंदर रहते हैं और वाटर सारा बाहर निकल जाता है, वही चीज क्या हो रही होती है, वो भी सिमिलर प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज तो हमारा हो गया, अब एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हाँ देखो अब क्या है कि फिल्ट्रेशन और जो सेंट्रीफ्यूगेशन है दोनों में एक चीज ये है कि ये हमारा किसके लिए यूज होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स के लिए। ठीक है, ये चीज इम्पोर्टेंट है कि क्या होगा हमारा, ये इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए यूज होगा। सॉल्युबल अगर कोई चीज हो गई तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं यूज कर सकते, उसके लिए अलग मेथड्स होते हैं, वो भी देखेंगे हम कौन से होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या आएगा, अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास इवेपोरेशन। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन था वो किस कैसे यूज हो सकता था हमारा, कि वो हम सिर्फ जो हमारे जो डिसॉल्व नहीं होते उन सॉलिड्स के लिए यूज कर सकते हैं। इवेपोरेशन बेटा हम यूज कर सकते हैं अगर कोई सॉलिड डिसॉल्व भी है तो भी यूज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखो हमने क्या देखा, इट इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, यूजुअली हम वाटर में करवाते हैं, तो क्या होगा कि डिजोल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज सॉलिड रेसिड्यू एंड वाटर इवेपोरेट्स। यहाँ देखो पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है किसका, सॉल्ट का, ठीक है, हमें पता है सॉल्ट वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, हमने डिजोल्व कर लिया सोल्यूशन, यहाँ पे रख दिया, फिर हमने हीटिंग शुरू करी। अब जब हमने हीटिंग शुरू करी तो the solution is heated to the boiling point for the liquid to evaporate. हमने क्या करा कि हमने उसको हीट करना शुरू करा और हमने इसकी बॉइलिंग करवा दी। अब बॉइलिंग जब हमने करवाई है तो क्या इवेपोरेशन शुरू हो गया, बेटा ये स्क्रीन पे जो भी पेन से कर रहे हैं ये मत करो, तो ये साइड में जो कर रखते हैं ये भी जिसके कर रहा है वो इरेज कर। देखो अब हमने क्या करा कि सोल्यूशन को हमने हीट करा, जैसे हमने हीट करा वेपराइजेशन शुरू हो गया,
तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर सारा रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट रिमेन्स आफ्टर लिक्विड इवेपोरेट्स। तो ये चीज हमारी क्या हो रही है, अगर कोई ऐसा सॉलिड है जो कि क्या हो गया सॉल्युबल, बेटा इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए तो हमने फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया, अगर सॉल्युबल सॉलिड होता है उसके लिए इवेपोरेशन यूज करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए जिसके वेपर्स बनते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, यूजुअली हम वाटर यूज करते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जो भी सॉलिड डिसॉल्व था भाई सॉल्ट है, सॉल्ट के तो वेपर्स नहीं बनते ना, तो क्या हो जाएगा सॉल्ट हमारा यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, इसमें हमारे पास जो तुम्हारा लिक्विड था, हम उस लिक्विड को वो नहीं कर सकते, लिक्विड हमारा बचेगा नहीं, लिक्विड क्या हो जाता है वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है। तो इसमें सेपरेशन का क्या है कि हमने दोनों चीजें अलग तो कर ली, लेकिन एक चीज हमारी लॉस्ट हो जाएगी, हम सिर्फ सॉलिड को बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अब इवेपोरेशन हमने देख लिया क्या होता है, यही सेम प्रोसेस किसमें यूज होता है, हमारे सी वाटर से अगर हमें क्या करना हो सॉल्ट ऑब्टेन करना हो, उसमें यही होता है कि हम क्या करते हैं सी के पास ऐसे वो बना देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर देखो ऐसे लेक सा बना देते हैं, मतलब होल्स बना देते हैं बड़े बड़े, उनमें वाटर को फिल कर देते हैं। अब जब वाटर फिल करा तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे अब सन की वजह से इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होके वाटर हमारा क्या हो जाएगा, वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा स्लोली, और लास्ट में हमारा बच क्या जाएगा सॉल्ट। तो वो हमारा ऐसे हम क्या कर सकते हैं सी वाटर से सॉल्ट को ले सकते हैं, और इनको हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं लेगून्स, जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इनको हम लेगून्स बोल देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि सेपरेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सल्फर फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड, अगर हमारे पास क्या हो, हमने अभी देखा था काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे जिनमें क्या था कि सल्फर जो होता है हमारा CH2 में डिसॉल्व होता है, CH2 क्या हमारा कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें फिर से सल्फर को ऑब्टेन करना हो तो वी कैन हीट दिस मिक्सचर, इवेपोरेशन के बाद क्या होगा कि वी विल गेट सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड हमारा पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और सल्फर हमें जो भी हमारा कंटेनर होगा उसमें सल्फर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देखो, अगर पोटेशियम और पोटेशियम नाइट्रेट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, बेटा ये दोनों सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वाटर में सॉल्युबल हो गए तो अगर इन्हें फिर से हमें चाहिए हो तो क्या करेंगे, हम उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा कि वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा एलम, पोटैश एलम और पोटैश, मतलब अलग अलग दो अगर सॉल्यूशन, अगर पोटैश एलम का सॉल्यूशन है तो पोटैश एलम मिल जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक। अब ये चीज देखो कि जो हमारी इंक होती है बेटा वो क्या होता है, डाई का मिक्सचर वाटर में, सो इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, मतलब डाई हमारी क्या है सॉलिड है और उसको हम वाटर में अगर तुम उसका मिक्सचर बना दो वही हमारा क्या है इंक है। लेकिन क्या होता है कि इंक को अब क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन करवा देंगे हीटिंग करके, लेकिन बस इस केस में एक चीज हमें क्या याद रखनी होती है कि वी कांट हीट चाइना डिश कंटेनिंग इंक डायरेक्टली ओवर फ्लेम एज इट कैन गेट डीकम्पोज्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम कभी भी उनको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली हीट किसमें करेंगे, हम वाटर बाथ ले सकते हैं या सैंड बाथ ले सकते हैं। तो उसमें देखो क्या है कि इट इज हीटेड ओवर अ वाटर बाथ, तो क्या होगा कि इवेपोरेशन हो जाएगा, सॉलिड डाई इज लेफ्ट विच शो दैट डाई इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और डाई क्या हो जाएगी हमारी सॉलिड डाई उसमें चाइना डिश में रह जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम इस मेथड में क्या है कि अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी in that dissolved solid substance, so it will also be present in the solid recovered after evaporation. हमने ये बोला कि अगर भाई तुम्हारे पास dye, हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, अगर मिक्सचर में कोई भी हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी तो वो क्या होगी, इवेपोरेशन से तो भाई हमारा जो सॉल्वेंट है सिर्फ वही निकलेगा ना,
इस वजह से क्या हो जाएगा कि वो इम्प्योरिटी स्टिल उस सॉलिड में रह जाएगी। ठीक है, तो बस एक ये प्रॉब्लम है इस मेथड की कि हम क्या हो जाएगा, हम उसको पूरा प्योर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है। हाँ, ये तुम्हें ये दिखाना था, जैसे लास्ट में हमने क्या बोला था कि वाटर बाथ के ऊपर हीट करते हैं। तो देखो वाटर बाथ क्या होता है, हम दो अलग तरीके से बना सकते हैं। एक तो तुम्हारा वाटर बाथ क्या है, देखो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे। तो इसको वाटर बाथ बनाने का तरीका क्या होता है कि हमने एक बीकर लिया, बीकर को उसमें हमने वाटर फिल कर दिया। अब जब इसको हीट कर रहे हैं तो इस वाटर के वेपर्स बनेंगे, वाटर के वेपर से इस चाइना जो हमारा वॉच ग्लास है इसकी हीटिंग हो रही है। ठीक है, हीटिंग देखो दो तरीके से हो सकती है, या तो हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हीट में हमने देखा कि इंक क्या होता है बेटा, डाई में हमारे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो कई बार क्या हो जाते हैं कि वो एक्सपोज हो जाते हैं इस वजह से, डायरेक्ट हीटिंग की वजह से। तो हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, इनडायरेक्टली हीट करेंगे, किससे, वाटर के वेपर से। इसके ऊपर रख दिया और ये ऐसे हीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे होती है वाटर बाथ। दूसरा देखो ये जो राइट साइड में तुम्हें दिख रहा है, जनरली ये ऐसे यूज होता है लैब्स में कि हमने क्या लिया, ये देखो बड़ा वॉच ग्लास था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर हम कभी हमारा सैंपल किस में हो, किसी टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब, मैंने तुम्हें बताई थी बॉइलिंग ट्यूब का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है टेस्ट ट्यूब से। ठीक है, तो अगर हमारा ऐसा होता है तो हम इसमें भी देखो हमने क्या करा बेटा, डायरेक्टली हीट हमने नहीं करा। ठीक है, डायरेक्ट हीट में क्या होता है, डायरेक्ट हीट का मैंने शायद तुम्हें क्लास में एक बार बताया भी होगा कि जैसे अल्कोहल अगर होता है, अगर किसी चीज का मिक्सचर, अगर वाटर का मिक्सचर है तो हम डायरेक्टली हीट कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्कोहल होता है तो हम कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल फायर कैच कर लेता है। तो उसको कैसे हीट करते हैं, ऐसे हमने वाटर रखा, वाटर बॉइल होना शुरू हो जाता है, और तो वाटर बॉइल होने शुरू हो गया तो क्या हो गया, मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें हम अपने सैंपल को ऐसे हीट करते हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, वाटर बाथ में हीटिंग हो रही है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या है, ये हमारा इवेपोरेशन हो जाएगा। देखो हमने क्या क्या करा है, सेंट्रीफ्यूगेशन देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम जो हमारे पास सॉल्यूशन है, देखो सिंपल सी एक चीज क्या है कि हमें क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स बनाने हैं, कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स। पहले हम क्या करेंगे, देखो पूरा प्रोसेस है कि द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, यहाँ पे एनी आएगा। ठीक है, हमने क्या करा कि भाई तुम्हें एक सॉलिड दे दिया और उसमें तुम्हें बोला गया है कि इसमें भाई इम्प्योरिटीज है। अब उन इम्प्योरिटी तुमने क्या करा, उस पूरे सॉलिड को एक तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे, ठीक है, वाटर में हमने डिजोल्व करा और फिर फिल्टर कर लिया, तो जो हमारा सॉलिड था वो तो क्या हो गया, पानी में डिजोल्व हो गया। क्या हुआ, किसी का डाउट था बेटा? देखो तो हमने क्या बोला कि जो हमारा इम्प्योर सॉलिड है उसको हमने पानी में डिजोल्व कर लिया, वो तो डिजोल्व हो गया, फिर फिल्ट्रेशन करा तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन में यही तो देखा था ना कि जो हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो तो रेसिड्यू में रह जाती है। कोई ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, माँ कार्तिक कोई डाउट है? देखो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हमारी क्या होगी, अब वो ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर में। ठीक है, अब जो हमें सॉल्यूशन मिला उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हीट करते हैं। हीट करेंगे वो कैसे चेक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे वो कैसे चेक करते हैं, बाय डिपिंग अ ग्लास रॉड। अभी आगे वाली स्लाइड्स में कुछ फोटोज हैं उनसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या होता है। फिर जब सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन उसको रख देंगे कूल डाउन होने के लिए, और कूल डाउन होते ही क्या होता है, खुद उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स जब बनेंगे फिर उनको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, उनको हल्का सा वॉश करेंगे और ड्राई कर लेंगे। तो इससे एक एग्जांपल क्या है कि कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स मिल सकते हैं हमें इम्प्योर सैंपल से। अब आगे वाली स्लाइड्स में एक्चुअल फोटोज हैं कि कैसे होता है प्रोसेस। अब इसमें देखो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे बेटा कॉपर सल्फेट हमने लिया, उसका हमने सोल्यूशन बनाया।
ठीक है, कॉपर सल्फेट का हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया। जब वो सॉल्यूशन बना लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सेकंड स्टेप बोला था कि हम फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि जो हमारी कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, वो किसमें रह जाए, फिल्टर पेपर में। तो ये हमने क्या करा, फिल्ट्रेशन के लिए फनल ले ली, फिल्टर पेपर लगा लिया। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे फिल्ट्रेशन करते हैं। देखो ये मैंने ग्लास रोड का जो बता रहा था कि ग्लास रोड के अलोंग हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को इसमें डालते हैं, तो इससे क्या होता है, बाहर स्प्रेड आउट नहीं होता। ये हमने डाला, ठीक है। अब देखो इस वाली फोटो में देखो तुम्हें दिख रहा होगा जो लास्ट हमारे राइट हैंड कॉर्नर में बॉटम में है, इसमें यहाँ ये देखो इम्प्योरिटीज, सॉलिड जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, फिल्टर पेपर में ही रह जाती है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज रहेगी। अब उसके बाद हमने क्या करा, अब हमने बोला था कि हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं और उसको सैचुरेट करते हैं। अब हमने यहाँ क्या करा बेटा, हीटिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, तुम वाटर बाथ से भी हीट कर सकते हो। यहाँ ये जो इसने यूज कर रखा है ये क्या होता है, सैंड बाथ। अगर यहाँ इसने सैंड ली हुई है और सैंड को हीट कर रहा है, वाटर अगर यहाँ पे तुम वाटर भर देते तो क्या हो जाता, वाटर बाथ हो जाता, सैंड ले ली तो सैंड बाथ हो गया। सैंड बाथ में हमने क्या करा है, इसकी हीटिंग करवाई, सैचुरेटेड हो गया। ये चेक करने के लिए हमने वहां लिखा हुआ था कि हम ग्लास रॉड डिप करके देखते हैं। वो कैसे देखते हैं कि हमने ग्लास रॉड डिप करी, फिर उस पर हल्की सी एयर हम ब्लो करते हैं माउथ से। जब एयर हमने ब्लो करा तो देखो इस पर तुम्हें दिख रहा होगा ग्लास रॉड पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए। इसका मतलब हमारा क्या हो गया है कि भाई अब हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, वो सैचुरेट हो गया। तो नाउ वी हैव गॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बनने के बाद हम उसको कूल करने के लिए कंटेनर, हाँ बोलो बेटा, डाउट तो किसी का, देखो अब हमने क्या करा, सैचुरेट होने के बाद हमने इस कंटेनर में डाल दिया कूलिंग के लिए। ये कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे नहीं है कि तुम एकदम से, बेटा एक चीज होती है क्रिस्टलाइजेशन में, जितना देर तक तुम उसको आराम से कूल होने दोगे, नेचुरली कूल होने दोगे, तो उसमें बेटर क्रिस्टल्स बनते हैं। और अगर तुम सडन कूलिंग करवाते हो, मान लो एकदम से तुमने आइस में रख दिया उसको, तो उस केस में भी क्या होता है कि देखो क्रिस्टल्स बनते हैं लेकिन वो बहुत छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और उनकी परफेक्ट शेप नहीं आती। इस वजह से क्या होता है, हम कूलिंग के लिए उसको नेचुरली कूल होने देते हैं। कई बार क्या होता है, कूलिंग के लिए हम ओवरनाइट उसको छोड़ देते हैं कि हमने आज एक्सपेरिमेंट करा है, आज हम रख देते हैं कंटेनर में, कल आके देखेंगे। तो यहाँ देखो इसने रख इसमें डाला, फिर इसने वाटर में रख दिया कूलिंग के लिए। नेक्स्ट देखो ये अब क्या हो गए, ये खुद ही ऐसे जब तुम कूलिंग के लिए रख दोगे ये ऐसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये हमारे क्या है, कॉपर सल्फेट का, जो हमने इम्प्योर सॉलिड लिया था उसके हमने करके, और ये देखो अब ये जो क्रिस्टल्स बन गए ये प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। अब इन क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, सिर्फ इन क्रिस्टल्स को, ये देखो जो एक्सेस हमारा लिक्विड था उसको हमने क्या कर दिया, डीकेंट कर दिया, एक्सेस लिक्विड को डीकेंट कर दिया, क्या बच गए, सिर्फ हमारे क्रिस्टल्स बचे। अब इन क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर लेके और उस फिल्टर पेपर की फोल्ड में ऐसे ड्राई करते हैं, मतलब फिल्टर पेपर रखा उसके ऊपर ऐसे फिल्टर पेपर को हल्का हल्का प्रेस करते हैं ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है, एक्सेस वाटर है, वो इस फिल्टर पेपर से वो ड्राई हो जाए, ठीक है। हमने क्रिस्टल्स मिले फिर उसको ऐसे ड्राई कर लिया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में देखो बेटा डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन में हमने लास्ट में एक चीज बोली थी कि इवेपोरेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो उसी में रह जाती है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें हमारा ऐसा नहीं है। इसमें देखो कहाँ का इम्प्योरिटी रिमूव हुई, अगर कोई इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल थी तो वो कहाँ रिमूव होगी, शुरू में जब हमने फिल्ट्रेशन करा। और अगर कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी तो बेटा देखो हमने क्या करा, यहाँ क्रिस्टल बन गए, ये वाटर था ये डिकेंट कर दिया ना, तो जो भी इम्प्योरिटी होगी वो इसमें निकल जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, निकालने के बाद एक यहाँ स्टेप इन्होंने दिखाया नहीं है, उसमें क्या होता है कि हम एक बार वॉश भी करते हैं हल्के से, मतलब वाटर से, अल्कोहल से, जिस भी चीज से वॉश करना होता है वो प्रॉपर लिखा होता है कि हाँ इस चीज से वॉश कर सकते हैं, उससे एक बार वॉश करेंगे तो हल्की फुल्की जो डर्ट अगर है कहीं वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव। और ये हमें जो क्रिस्टल्स है ये बिल्कुल प्योर क्रिस्टल्स।
ठीक है, तो इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती। अब देखो यहाँ है हमारा कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। सो इसमें एक चीज तो क्या हो गई कि इन इवेपोरेशन द हीट किल ड्राइनेस विच कैन डीकम्पोज अ सब्सटेंस और दे गेट चार्ड, बट देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन क्रिस्टलाइजेशन। देखो बेटा क्रिस्टलाइजेशन में हमने ऐसा नहीं करा है, इवेपोरेशन में जो हम क्या कर रहे थे, सॉल्ट और वाटर का हमने जो मिक्सचर लिया था उसमें हमने बोला था ना कि हम उसको हीट कर रहे हैं, पूरा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। तो उसमें क्या कर रहे थे, बहुत सारी हीटिंग करनी पड़ती है, हीट टिल ड्राइनेस। लेकिन उस हीटिंग से क्या हो सकता है भाई, कोई सब्सटेंस डिकम्पोज भी हो सकता है, और ये जो वर्ड है यहाँ पे ये चार्ड या फिर हम बोलते हैं चारिंग, तो वो हम यूज करते हैं बेटा शुगर के लिए। शुगर को हम बोलते हैं कि शुगर की क्या होगी, शुगर इज गेटिंग चार्ड, मतलब जो शुगर जैसे जल जाती है ना, ब्लैक हो जाती है, उसको बोलते हैं चारिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो चार्ड का कंफ्यूज मत होना इसका बेटा, ये क्या लिख रहे हो हाय, और ये क्लास पे थोड़ा ध्यान दो। देखो अब हमारा क्या है कि ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज कर देता है हाई हीटिंग। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन हमने क्या करा था, हमने सिर्फ हीटिंग कब करी थी, जब उसको हमें थोड़ा सा सैचुरेट करना था, सिर्फ उतनी हीटिंग करनी होती है, एक्सेस हीटिंग नहीं करनी होती। तो एक तो ये प्रॉब्लम कि हमारी कोई सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता क्रिस्टलाइजेशन में। दूसरी चीज ये है जो अभी हमने इम्प्योरिटी का डिस्कस किया कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर स्टिल प्रेजेंट आफ्टर इवेपोरेशन, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी हमारी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। ठीक है, यहां तक हमारा क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, कितना टाइम देने लगेगा क्रोमैटोग्राफी, तुम्हारा पूरा एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्रोमैटोग्राफी का, देखो क्या होता है। तो क्रोमैटोग्राफी में देखो, आज हमने तीन तीन चार मेथड्स किए हैं, उसमें एक हमारा इवेपोरेशन है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास आता है क्रोमैटोग्राफी का। बेटा ये सारे मेथड्स कौन से चल रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखो क्रोमैटोग्राफी में क्या है कि इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डिसॉल्वड सॉलिड्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बेटा इसमें क्या होता है कि हम क्रोमैटोग्राफी तब यूज करते हैं जब हमें ये पता हो कि सॉलिड डिसॉल्वड है। ठीक है, मिक्सचर में दो चीजें भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और कम अमाउंट में डिसॉल्वड है। ठीक है, तो वो अगर हमारे पास हो उस टाइम हम यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, उसको समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। ठीक है, अब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या होता है कि देखो थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पेपर है, हम इस पेपर पे करते हैं क्रोमैटोग्राफी, तो जो हमारा पेपर होता है वो तो क्या है, स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी मतलब वो चीज जो रुकी हुई है, ठीक है, वो चल नहीं रही है, दैट इज अ स्टेशनरी फेज। दूसरा हमारे पास क्या है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा, ये देखो बेटा, जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट ऐसे धीरे धीरे ऊपर राइज करता है, ठीक है, ये नीचे सॉल्वेंट है ये राइज करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोबाइल फेज। तो दो चीजें जो तुम्हें समझनी है, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी वो जो मूव नहीं करता, जैसे हमारा पेपर है। मोबाइल फेज जो हम सॉल्वेंट जिसमें हम अपने पेपर को डिप करते हैं, वो हमारा मोबाइल फेज होता है। ठीक है, ये दो फेजेस हैं। अब क्रोमैटोग्राफी बेटा बेस्ड किस चीज पे होता है, देखो एक सिंपल सी चीज समझो कि अगर कोई चीज है, मान लेते हम दो सॉलिड है हमारे सॉल्यूशन में, ए और बी, हमें ये पता चल गया कि जी ए और बी दोनों दोनों क्या होते हैं, दोनों ही पेपर से अट्रैक्टेड है। ठीक है, या तुम ये मान लो कि दोनों, चलो उस सॉल्वेंट से अट्रैक्टेड है। ठीक है, हमने ये माना कि दोनों की इंट्रैक्शन होती है सॉल्वेंट से। अब जब सॉल्वेंट से दोनों की इंट्रैक्शन है, लेकिन एक ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट करता है और एक कम स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट कर रहा है, तो भाई मान लो ए कहता है कि यार मैं तो पेपर से ज्यादा इंट्रैक्ट करूंगा, तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पेपर के साथ चिपक के रहता है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है।
लेकिन कोई चीज दूसरा कंपोनेंट भी है, वो कहता है कि भाई नहीं मैं तो पेपर के साथ इतनी स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं है, उसकी सॉल्वेंट के साथ ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन है, तो वो सॉल्वेंट के साथ जल्दी जल्दी जाएगा। बस यही जो डिफरेंस होता है ना इंटरेक्शन का, उसी का बेसिस है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसी पे हमारी पूरी क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है कि देखो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट शो डिफरेंट एफिनिटी टुवर्ड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। बेटा एफिनिटी का मतलब होता है कि अट्रैक्शन किसी चीज को लेके, तो इसमें ये सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है कि जो भी हमारे कॉम्पोनेंट है, हमने देखो क्या बोला है कि सॉलिड का ऐसा सोल्यूशन बन रहा होगा, मतलब सॉलिड हमारा लिक्विड में डिजोल्व है, तो उन जो मान लेते हैं हम दो सॉलिड है, दो सॉलिड की जो अलग अलग अट्रैक्शन है दोनों फेजेस को लेके, उसी के बेसिस पे क्या होता है कोई चीज स्लो मूव करती है कोई चीज फास्ट मूव करती है, बस उसी से हम सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे देखो अगर मोर एफिनिटी टुवर्ड स्टेशनरी फेज है, मतलब पेपर के साथ उसकी ज्यादा अट्रैक्शन है, वो क्या करेगा, वो बहुत स्लो मूव करेगा। लेकिन अगर किसी चीज की अट्रैक्शन या एफिनिटी मोबाइल फेज जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी तरफ ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट के साथ साथ मूव करेगा, वो फास्टर मूव करेगा, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंसेस से क्या हो जाता है, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब सेशन ओवर होने वाला है क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आज देखो हमने करा क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन था, सेंट्रीफ्यूगेशन तब यूज करते हैं जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, काइंड ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन होता है, उस केस में अनडिजोल्व पार्टिकल्स होने चाहिए। क्या हो जाएगा, बहुत तेज रोटेट करेंगे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉलिड वाले ऊपर, हमारा लिक्विड रह जाएगा, लिक्विड को अलग से निकाल सकते हैं, सॉलिड हमारा इस सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में रह जाएगा, ठीक है। ये सेपरेशन हुई, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सा है कि मिल्क में से क्रीम का सेपरेशन। क्रीम क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर रहेगी और मिल्क हमारा स्किम्ड मिल्क नीचे रह जाएगा, ठीक है। अगला मेथड जो हमने करा है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यूज करेंगे जब क्या हो, कोई सॉलिड हमारा डिसॉल्व हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है, हीट करते जाएंगे जिस चीज के वेपर्स बन सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर पूरा इवेपोरेट होके उड़ जाएगा, सॉल्ट हमारा यहाँ पे नीचे रह जाएगा, ये भी सेपरेट हो गया, ये हमारा हो गया इवेपोरेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है सी वाटर से हम सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिए क्या क्या होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि इंक से डाई को सेपरेट करना। इंक और डाई का जो बेटा डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है हमारा कि इंक हमारी क्या है, डाई को अगर वाटर में मिक्स कर दे, डाई और वाटर का मिक्सचर ही हमारा इंक होता है। एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि इंक को कभी भी हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसको वाटर बाथ पे हीट करेंगे, ठीक है। वाटर बाथ पे ऐसे हीट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, इंक जो है हमारी यहाँ पे, इसको हीट करते रहो वाटर उड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारा सॉलिड डाई बच जाएगी। ये इवेपोरेशन था और ये हमारा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्रिस्टलाइजेशन देखा। क्रिस्टलाइजेशन में क्या था हमारा, जो ये पूरा मेथड हमने दिखाया था कि प्योर क्रिस्टल्स हमारे ऑब्टेन हो जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या था कि इसमें मेन एडवांटेज इसका ये था कि एक तो ये कोई चीज डिकम्पोज नहीं होने देता क्योंकि हमें ज्यादा हीटिंग नहीं करनी होती, और दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर स्टिल प्रेजेंट। इसमें इवेपोरेशन में क्या था कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में वो भी इम्प्योरिटीज क्या होगी, रिमूव होगी, ठीक है। बेटा अब सेशन ओवर करते हैं।